गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक. दैट नेम इज़ द लॉस्ट चाइल्ड. दिस इज़ योर सेकेंड बुक. सो वी विल डू आवर फर्स्ट चैप्टर टुडे. दैट नेम इज़ द लॉस्ट चाइल्ड. सो लॉस्ट चाइल्ड मीन्स कि जो बच्चा है चाइल्ड है वो लॉस्ट हो गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो जो एक बच्चा है यहाँ पर वो एक फेयर पे जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ और वो बहुत हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है कि उसको स्वीट्स और जो टॉयज़ है वो वहाँ पर सब दिख रहे होते हैं. बट जो उसके पेरेंट्स है वो उसको कुछ भी खरीद कर नहीं देते उनमें से. और अगर उनको उस बच्चे को कोई और ये सब चीज़ें खरीद कर दे दे तो क्या वो बच्चा मना करेगा? सो देखते हैं इस चैप्टर में कि वो बच्चा क्या करेगा. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy reined between his father's legs, brimming over with life and laughter. So जो ये सीन है वो एक फेयर का है कि फेस्टिवल जो स्प्रिंग का फेस्टिवल है वो आ गया था और विंट्री जो शेड्स थी वो जा चुकी थी और जो सभी लोग थे वो बहुत ही गैले क्लेड मीन्स बहुत खुश थे. सभी ह्यूमैनिटी मतलब सभी लोग बहुत खुश थे. सभी जा रहे थे, कोई पैदल जा रहे थे, कोई हॉर्सेस पर जा रहे थे बैठकर, कोई बुलॉक कार्ट्स पर जा रहे थे बैठकर, और एक बच्चा अपने फादर की लेग्स के पास और अपने मदर फादर के साथ जा रहा था और जो बहुत खुश हो रहा था और लाइफ से फुल था. ये देखिए, ये मदर एंड फादर, ये फादर और मदर है और ये बच्चा है जो पीछे मेले में सब चीज़ें देखते हुए जा रहा है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन शॉप्स दैट लाइंड द वे. सो उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम, कि बेटा इधर आओ. जब वो बच्चा पीछे रह जाता है, क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि वो टॉयज़ और जो शॉप सजी हुई है उनको देखकर बहुत ही फैसिनेटेड होता है, बहुत आकर्षित होता है. ही हर्रीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयस. अब जो उसके पेरेंट्स है वो उसको बुलाते हैं. अब जो उसके फीट है वो तो अपने पेरेंट्स की बात मानकर उनके साथ चलने को रेडी हो जाते हैं, बट जो उसकी आईज हैं वो अभी भी पीछे रह गए टॉयस को देख रही होती हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. अब जो वो बच्चा है वो टॉयज़ को देखता जा रहा है जबकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको वो नहीं दिलाएंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसने क्या कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए. उसने बहुत ही रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से. हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड वट इज़ बिफोर यू. अब जो उसके फादर है, जब वो बच्चा टॉय मांगता है अपने फादर से तो मतलब रेड आइज करके बिल्कुल टायरेंट लुक में, टायरेंट मतलब बहुत ही क्रूअल होकर उसको देखते हैं, और उसकी मदर जो है बहुत प्यार से उसको समझाती है और अपनी उंगली उसको देती है पकड़ने के लिए और क्या कहती है कि देखो बच्चे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. वो क्या कहती है कि सामने जो है मस्टर्ड फील्ड है और देखो कितने अच्छे फूल हैं वहाँ पर, और देखो अपना रास्ता कितना सुंदर रास्ता लग रहा है. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. अब वो क्या देखता है कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो बैठी हुई हैं फूलों पर और फूलों से क्या स्वीट जो थी वो स्वीट चुरा रही थी. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. अब वो उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन ये क्या
उड़ जाती है फ्लटरिंग करती हुई अप इन टू द एयर एयर में व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ जब वो उसको पकड़ने ही वाला होता है तभी उसकी मदर जो है वो उसको कॉल लगाती है और उसको बुलाती है कहती है कि कम चाइल्ड कम फुटपाथ पर आ जाओ वहाँ से ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड abreast of them for a while being however soon left behind attracted by the little insects and worms along the footpath that was steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine ab wo apne parents ke piche jata hai lekin fir se usko raste mein kya chote chote insects dikh jate hain footpath par aur wo unko dekh kar bahut hi sunshine mein wo chamak rahe hote hain unko dekh kar bahut khush hota hai come child come his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well he ran towards them ab uske parents dobara se usko call lagate hai ki beta idhar aao aur wo kya ek well ke edge par matlab kuen ke kinare par jaakar baith jate hain aur wo unki taraf dauda hua jata hai a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents he began to gather the raining petals in the hands but Lou he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove the raining petals dropped from his forgotten hands ab kya uske upar flowers ki jo petals hai wo aakar girti hai aur wo unko haath mein ikattha kar leta hai lekin tabhi kya usko dove ki awaaz aati hai kabootron ki bahut zor se awaaz aati hai aur wo unki taraf bhagta hai aur uske hand se jo wo petals hoti hain wo gir jati hain niche Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब फिर से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगा रहे हैं और वो जो बच्चा है वो फेयर को देखने में मस्टर्ड फील्ड्स को देखने में बहुत ज़्यादा जो है बिजी हो जाता है As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जब बच्चा फेयर में एंटर हो जाता है वो तो वो बहुत कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि वो तरह तरह के जो टॉयज हैं शॉप्स हैं उनको देख कर बहुत फैसिनेटेड हो जाता है बहुत आकर्षित हो जाता है A sweet meat सेलर होक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वॉटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट आई वॉन्ट दैट बर्फी स्लोली मर्मर्ड बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy so without waiting for an answer he moved on ab wo kya ek sweet meat seller matlab ek mithai wale ki dukan ke paas se jata hai aur kya sunta hai jo hawker hai wo kya chilla raha hota hai gulab jamun rasgulla barfi jalebi aur wo corner pe hoti hai dukan bilkul aur bahut crowd uske counter ke paas ikattha hua hota hai और जो उसकी मिठाइयां हैं वो क्या सिल्वर और गोल्ड पेपर से कवर होती है और जो चाइल्ड है वो देखता है और उनको और उसके मुंह में पानी आ जाता है किसको देखकर बर्फ़ी को देखकर क्योंकि बर्फ़ी उसको बहुत पसंद होती है और वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए लेकिन उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो क्या कहेंगे कि वो बहुत लालची है और वो विदाउट उनके आंसर किए वहाँ से आगे चला जाता है अब फ्लावर सेवल सेलर होक्ड a garland of gulmohar, the child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब एक फ्लावर सेलर जो है वो चिल्ला रहा होता है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर और जो चाइल्ड है वो क्या कहता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चाहिए लेकिन उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसको नहीं दिलाएंगे वो क्या कहेंगे कि इतनी सस्ती चीज़ नहीं लेनी है तो वो उनकी आंसर की वेट किए बिना और आगे चल देता है
A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब जो एक मैन है वो बलून्स लेकर खड़ा हुआ होता है, रेड, येलो, ग्रीन और पर्पल बलून्स। उसको जो ये सारे बलून्स है वो कैसे रेनबो की तरह दिखाई देते हैं और वो क्या अपने पेरेंट्स से क्या कहता है कि मुझे बलून चाहिए, लेकिन विदाउट उनके आंसर का वेट किए वो क्या सोचता है कि उसके पेरेंट्स को ये नहीं दिलाएंगे, वो क्या कहेंगे कि तुम तो बहुत बड़े हो इन बलून से खेलने के लिए, तो वो फिर से आगे चल देता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोल्ड इट्स सेल्फ इन अ बास्केट, इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर। अब जो एक स्नेक चार्मर होता है वो स्नेक के सामने बीन बजा रहा होता है और जो स्नेक है वो अपनी हेड को अपनी नेक को घुमा घुमा कर अपने करतब दिखा रहा होता है, लेकिन और वो अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहता है कि वो चाहता है कि वो भी ये बीन बजाए और जो ये स्नेक चार्मिंग का गेम है वो खेले, लेकिन उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे ऐसी गेम खेलने के लिए कभी भी यस नहीं बोलेंगे, सो वो फिर से आगे चल दिया। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अब आगे जब वो जाता है तो झूले पर जो बच्चे आदमी औरतें और सब जो है वो झूला ले रहे होते हैं, स्विंगिंग के मोड पर होते हैं और सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब उस झूले पर सब खुश बच्चों को देखकर वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही लाउड वॉइस में रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तो ये राउंड अबाउट चाहिए ही चाहिए, मुझे ये झूला चाहिए, प्लीज़ फादर मदर मुझे ये झूला दिलाइए। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो बच्चा पीछे मुड़ के देखता है अपने पेरेंट्स को और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो हर जगह देखता है लेकिन उसको उसके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं मिलता। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken he ran to one side first then to the other, hither or thither in all directions knowing not where to go. Mother, father, he walked. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब वो इधर उधर भागता है अपने फादर मदर को ढूंढते हुए और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और जो उसकी टर्बन है जो उसने पगड़ी डाली होती है वो भी जो पगड़ी भी है वो बहुत ज़्यादा जो उसकी पगड़ी है बहुत ज़्यादा मतलब अनटाइडी हो जाती है, मतलब अच्छे से नहीं बंधी होती और उसके जो क्लोथ्स होते हैं वो भी मड में जो है वो ख़राब हो चुके होते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स एट लिटल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब जो वो लड़का है वो इधर उधर भागता है, वो जो उसका रोना है वो अब सिसकियों में बदल चुका होता है, सॉब्स में बदल चुका होता है और वो ग्रीन ग्रास के पास जाकर देखता है। मैन वीमेन जहाँ पर भी टॉकिंग कर रहे होते हैं, लाफ कर रहे होते हैं, वो सब जगह जाकर देखता है। येलो क्लोथ्स में जो मैन वीमेन खड़े होते हैं उनको देखता है बट उसको अपने मदर फादर का साइन कहीं पर भी नहीं मिलता। He ran quickly again, this time to a shrine
to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब जो वो बच्चा है इधर से उधर भाग रहा होता है और श्राइन के पास जाता है, सब जगह देखता है, क्राउड के बीच में जाता है, क्राउड इतनी मतलब ज़्यादा हो रही होती है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है अपने मदर फादर को ढूंढने के लिए और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, लेकिन उसको उसके मदर फादर की वॉइस कहीं से नहीं आती। अब एक मैन उसको देखता है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है क्राउड के बीच में और कितना रो रहा है, कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है उसके लिए क्राउड में रहना, वो उसको अपनी बाजुओं में उठाता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो उसको आर्म्स में उठाता है और पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे हो। अब जो बच्चा है वो और ज़ोर से रोने लगता है और क्या कहता है कि मुझे अपनी मदर चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड। ही अप्रोच्ड द रिंग, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जो वो मैन है वो उस बच्चे से क्या कहता है कि क्या तुम झूला लोगे या तुम हॉर्स राइडिंग करोगे, चलो मैं तुम्हें झूला दिलाता हूँ, हॉर्स राइडिंग दिलाता हूँ। बट जो बच्चा है वो सिर्फ क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ही डिड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑन द स्विंग कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। अब मैन उसको उसी स्नेक चार्मर के पास भी लेकर जाता है और क्या कहता है कि इसकी म्यूजिक सुनो, इस स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनो बच्चे, कितना अच्छा है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन जो चाइल्ड है वो अपने दोनों कानों को हाथों से बंद कर लेता है और क्या कहता है कि मुझे तो अपनी मदर चाहिए और अपने फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम। अब जो मैन है उसको बलून्स के पास लेकर जाता है और क्या सोचता है कि बलून्स के इतने सारे कलर्स देखकर ये बच्चा चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वो क्या कहते हैं कि क्या तुम्हें एक रेनबो के कलर का बलून चाहिए। ही प्रेजुअसली आस्क्ड, द चाइल्ड टर्नड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन जो बच्चा है वो अपना फेस टर्न कर लेता है उन बलून्स की तरफ से और क्या कहता है कि मुझे तो अपनी मदर चाहिए और अपने फादर चाहिए। दिस मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। लुक, कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। अब जो वो मैन है वो उसको उस फ्लावर सेलर के पास भी लेकर जाता है जो गार्लैंड बेच रहा होता है बनाकर, और वो क्या कहता है कि क्या तुम ये गार्लैंड चाहते हो अपनी नेक के अराउंड डालने के लिए, क्या अपनी नेक में डालोगे इसको। लेकिन जो बच्चा है वो क्या करता है, द चाइल्ड टर्नड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन जो बच्चा है वो फिर से अपनी नोज को इधर कर लेता है और क्या कहता है कि नहीं मुझे तो अपने मदर चाहिए और अपने फादर चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like child, अब जो man है वो उसको क्या वो क्या स्वीट्स की दुकान के पास लेकर जाता है और क्या कहता है कि क्या तुम्हें स्वीट चाहिए बच्चे। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी स्वीट चाहिए तुम्हें बच्चे, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्नड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और जो बच्चा है वो उस स्वीट शॉप से भी अपनी नज़रें हटा लेता है और क्या कहता है कि मुझे तो अपनी मदर चाहिए और अपने फादर चाहिए। सो दिस इज़ योर स्टोरी स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद। Listen this one and after that we will do its question answers. Thank you so much.